नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो वीडियो है दोस्तों, एक बजाज कंपनी की इंडक्शन कुकर आया है जिसमें नो हीट की प्रॉब्लम है, और इस बजाज इंडक्शन कुकर पर क्या फॉल्ट है और किस जगह प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसमें हीट नहीं होता है दोस्तों, आज बारीकी से समझाएंगे और इस वीडियो में इस इंडक्शन कुकर को रिपेयर करके दिखाने वाले। तो दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम वीडियो को करते हैं शुरुआत। सबसे पहले इस इंडक्शन कुकर को हम खोलेंगे दोस्तों, और खोलने के बाद इस पर कौन सा पार्ट्स खराबी है और कौन सा प्रॉब्लम है दोस्तों, वो हम डिटेल से में बताएंगे। स्किप करके वीडियो को मत देखिएगा, वीडियो को हो सके तो पूरा देखिएगा उसको। इंडक्शन कुकर को हम खोल चुके हैं और आप देख सकते हैं इस इंडक्शन कुकर पर बहुत सारे कचरा है दोस्तों, इसे हम साफ़ सुथरा कर लेते हैं और फिर से दोबारा हम इसे लाइन दे करके चेक करके देखते हैं। तो हम ब्रश की सहायता से सारे डस्ट जितने जमे हुए हैं दोस्तों, धूल मिट्टी सभी को हम अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करेंगे, और उसके बाद जो है दोस्तों हम इस इंडक्शन कुकर को फिर से हम दोबारा लाइन को दे करके चेक करके देखेंगे जो नॉन हीट की प्रॉब्लम थी, क्या वो डस्ट जमने के कारण तो नहीं था दोस्तों। इसकी वजह से हम अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लेंगे, इसमें बहुत सारा कचरा फंसा हुआ है। तो चलिए, तो फिर से चलिए दोस्तों हम लाइन को जो है कनेक्ट करके देख लेते हैं। हम पहले लाइन को कनेक्ट करके देख चुके थे, लेकिन आप सभी के समक्ष फिर से हम दोबारा इसे हम लाइन से कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे ही हम इस पर लाइन दे चुके हैं और इस पर इस इंडक्शन कुकर पर लाइन आ चुका है, जैसे ही हम पावर बटन दबाएंगे दोस्तों, यहाँ जो है 1200 वाट की जो लाइट जलनी चाहिए वो जल रही है। अब चलिए हम इस पर कोई भी बर्तन दे करके हम देखते हैं। तो हमारे पास एक बत्ती है दोस्तों, इसे हम जैसे देखते हैं दोस्तों, इसका जो बत्ती है दोस्तों, ये बत्ती तो बंद हो जाता है लेकिन ये प्लेट गर्म नहीं होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, नज़दीक से हम दिखा रहे हैं, इस इंडक्शन कुकर पर ये प्लेट जल रहा है लेकिन ये हीट नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों हम फिर से इसे दोबारा जो है दोस्तों इसे खोलते हैं, और खोलने के बाद कौन सा पार्ट्स का ये दिक्कत है हम उसे बताएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बारीकी से देखते रहिए। तो हम फिर से दोबारा इंडक्शन की पावर बटन को हम दबा चुके हैं, अब इंडक्शन कुकर का जो ये पावर प्लग है इसे भी हम निकाल चुके हैं, और इंडक्शन कुकर को फिर हम दोबारा खोलेंगे। कैपेसिटर इस जगह है, दूसरी कैपेसिटर यहाँ है और तीसरी कैपेसिटर यहाँ है। तो दोस्तों जो भी मैकेनिक पहले इस इंडक्शन कुकर को खोला था दोस्तों, वो रिसोल्डर करके देख लिया है, फिर भी ये इंडक्शन उसके हाथों से सही नहीं हुआ है। तो दोस्तों हम सबसे पहले जो है इस इंडक्शन का पहली कैपेसिटर और दूसरी कैपेसिटर हम दोनों को रिमूव करके एक बार हम इसे मल्टीमीटर से चेक करके देखेंगे। तो दोस्तों ये जो कैपेसिटर है, ये पहली वाली कैपेसिटर ये खुल चुका है, और हम जैसे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये कैपेसिटर पे कोई दिक्कत दिखाई नहीं देता है। तो चलिए हम मल्टीमीटर से इसे ट्राई करके देखते हैं। तो मल्टीमीटर को जो है दोस्तों बीप की आवाज़ पर सेट कर लेना है, जो कि इस तरह हम सेट कर चुके हैं, और बारीकी से इस तरह से टच करके देखना है। तो दोस्तों कैपेसिटर जो है दोस्तों, अगर वीक रहेगा तो इस पर कोई भी रीडिंग शो होगा, और इस कैपेसिटर को चेक करने के लिए हम यहाँ 200 ओम्स पर रख के इसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों 2000 के पर हम रखते हैं तब इसकी जो कैपेसिटर की वीप है दोस्तों, वो हमें रीडिंग दिखाई देता है। तो दोस्तों ये जो कैपेसिटर है हमें 3 UFD है, और 630 वोल्ट की ये कैपेसिटर है, जो कि ये बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों हम इसे लगा लेते हैं। अब दूसरी वाली जो कैपेसिटर है, सेम उसी तरह हम फिर से दोबारा निकालेंगे इसे बाहर, और इसे भी हम देखेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं इस कैपेसिटर पर जो है 5 UFD 400 वोल्ट की ये कैपेसिटर लगी हुई है, जो कि इस पर भी कोई फॉल्ट हमें दिखाई नहीं देता है। तो चलिए दोस्तों इसकी भी रीडिंग हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी हमें 493-495 की रीडिंग शो हो
ता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये भी सही है कैपेसिटर, इसको भी हम जो है सही से हम लगा सेट कर लेंगे। अब जो है दोस्तों हमें कैपेसिटर को चेंज करके नहीं देखना है, हमें जो है अब कहीं और हमें देखना है जाके चेक करके। यहाँ तक हो चुका है। अब जो है दोस्तों तीसरी कैपेसिटर जो है इसे भी हम एक बार चेक कर ही लेते हैं। तो दोस्तों तीनों कैपेसिटर जो है एक एक करके हम चेक कर चुके हैं, जो कि हमें इस जगह फॉल्ट दिखाई नहीं देता है, ये सही है, तीनों कैपेसिटर जो है सही है। तो दोस्तों हम एक बार जो है दोस्तों इस सेंसर को चेंज करके देखेंगे और फिर से हम दोबारा लाइन देकर के देखेंगे। ये सेंसर भी ख़राब हो सकता है कभी कभी दोस्तों, तो इसकी जगह हम नया सेंसर लगा के एक बार चेक करके देखेंगे। तो दोस्तों हमारे पास सेंसर मौजूद है जो कि इस तरह की है, अब इसे हम जो है लगा के एक बार चेक करके देखेंगे और लाइन जो है दोस्तों हम यहीं से दे करके इसे ट्राई करके देखेंगे। तो दोस्तों इस नो हीट की प्रॉब्लम के लिए कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कैपेसिटर भी फॉल्ट हो सकता है और जो है दोस्तों इस छोटा सा जो सेंसर है दोस्तों सेंसर कार्ड इसका भी दोष हो सकता है, ये भी ख़राब हो सकता है दोस्तों। ये छोटा सा जो सेंसर है नो हीट में ये भी ख़राब हो सकता है। तो चलिए हम फिर से एक बार जो है इसे ऑन करके देखते हैं। तो दोस्तों इंडक्शन जो है ये ऑन हो चुका है। इंडक्शन कुकर को जो है दोस्तों ऐसे ही बिना फिट किए हुए हम इसे चेक करके देखते हैं दोस्तों। तो हमारे पास जो है दोस्तों एक छोटा सा बर्तन है जिसके ज़रिए हम इसे चेक करेंगे। तो हम इस तरह से सेंसर की जगह हम इसे इस तरह से टच करेंगे दोस्तों, और जैसे ही टच करेंगे दोस्तों यहाँ हम ऑन करेंगे, पहले सबसे पहले बटन को हम, यहाँ ऑन हो चुका है और आप देख सकते हैं दोस्तों इस सेंसर की वजह से हमारी जो है इंडक्शन कुकर हीट नहीं हो रही थी, अब आवाज़ भी दे रही है दोस्तों, और ये इंडक्शन कुकर पर जो नो हीट की प्रॉब्लम थी वो समस्या दूर हो चुकी है। तो दोस्तों ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आप सबके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो पूरी देख लेते हैं और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और फेसबुक और इंस्टाग्राम को अगर फॉलो नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है दोस्तों, जाके फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे ही ताज़ी भरी और अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों ये पानी उबल रहा है और अब देख सकते हैं इसमें नो हीट की जो प्रॉब्लम थी अब ये सॉल्व हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।